हेलो एवरीवन, हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल ऑफ अन एकेडमी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप अपने एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं, अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अन एकेडमी, सो जॉइन अन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट आफ्टर अप्लाइंग माई कोड दैट इज NB01। सो डोंट फॉरगेट, माई कोड इज NB01। ओके, वेलकम टू माई क्लास एवरी वन। आई एम नेहा बंसल। आई हैव डन BSc BEd NTT PTE एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 4,000 स्टूडेंट्स। आई हैव 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो मोस्ट वेलकम टू माई क्लास। ओके, बॉडी मूवमेंट्स, आज हम चैप्टर 8 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स क्या होता है बेटा? जैसे मैं ये हैंड मूव कर रही हूँ ना, तो ये भी एक बॉडी मूवमेंट में ही आता है। सिर्फ चलना या रनिंग या वॉकिंग ही सिर्फ बॉडी मूवमेंट ही आती है। हमारी बॉडी को किसी भी तरह से मूव करना, जैसे अभी ये कर रही हूँ, नेक मूव कर रही हूँ, बोल रही हूँ, दीज आर ऑल कम्स इन बॉडी मूवमेंट। जैसे मेरी ये जॉ लाइन मूव कर रही है, दिस इज ऑल्सो अ बॉडी मूवमेंट। मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ बॉडी मूवमेंट। आई कैन मूव माई नेक, दिस कम्स ऑल्सो अ बॉडी मूवमेंट। ओके, एंड आई कैन मूव माई लेग एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विच आई कैन मूव, दैट इज नोन एज बॉडी मूवमेंट्स। वो सब बॉडी मूवमेंट्स में कवर होते हैं, राइट? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट? तो लेट्स मूव अहेड। आज हम इसमें, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे? लोकोमोशन, skeletal system, parts of the skeleton, human body and its movement, joints, muscular system, locomotion in animals and movement without legs. These are all the topics that we are going to cover in this chapter. Okay, so let's start with an academy. Okay, so locomotion, sabse pehle beta kya hota hai? Locomotion kya hota hai? The movement of the whole body, hamari puri body ki movement ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। अगर मैं यहाँ से उठ के किसी और जगह पे चली जाऊँ, दैट इज ऑल्सो लोकोमोशन। मैं इस जगह से दूसरी जगह पे चली गई, ठीक है? अगर आप जहाँ पे बैठे हैं, आप अपने अगर मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हो, देखते देखते अगर आप मूव भी कर रहे हो, चल रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर लोकोमोशन। रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, हॉपिंग, उड़ना इज ऑल्सो अ लोकोमोशन। फ्लाइंग, स्विमिंग करना, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है? हॉपिंग, हॉपिंग मतलब रैबिट, कंगारू ऐसे हॉप करते हैं ना, जंप कर करके, दैट इज कॉल्ड हॉपिंग। तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर लोकोमोशन, ठीक है? ये अलग अलग तरीके होते हैं लोकोमोशन के, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कैसे जाओगे आप? या तो चल के जाओगे, वॉक करके, या भाग के जाओगे, या स्विमिंग करके आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हो, ठीक है? So these are various types. So plants do not show locomotion. आपको पता है, एक प्लांट जो जहां पे खड़ा है, अगर आपने वहां पे उसको प्लांट को लगा दिया, वहां पे वो एक प्लांट ग्रो कर गया, तो वो अपने आप से उस जगह से दूसरी जगह पे नहीं मूव कर सकता जब तक आप उसको उखाड़ के दूसरी जगह पे नहीं लगा दोगे, ठीक है? सो दैट प्लांट्स डू नॉट शो locomotion, okay? Animals have the ability to move from one place to another. Only animals, animals means human beings and animals, ठीक है? जितने भी ये living organisms हैं, except plants, they have the ability to move from one place to another. That is called locomotion, okay? I think locomotion is clear to everyone, okay? So importance of locomotion. Locomotion बेटा क्यों जरूरी है? Locomotion helps animals in several ways. बहुत तरह से animals को help करता है. कैसे? To find their food and water. Obviously बेटा, खाना और पानी ढूंढने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है? आपके पापा हैं, मम्मा हैं, जो लोग वर्किंग हैं, ठीक है, फादर हैं, वो वर्क करते हैं, तो उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अपने offices के लिए मूव करना ही पड़ता है ना, राइट? टू वर्क, राइट? So protect themselves from their enemies and predators. अब जैसे food and water का है बेटा, अब animals हैं, ठीक है? Animals को तो कोई ऐसे office नहीं जाना होता है, but उनको खाना खाने के लिए, ठीक है? अगर lion है, for example lion,
अगर लॉयन अपना प्रे सामने देखेगा कि उसको एक बोट नजर आ रही है सामने, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसे मूव करना पड़ेगा, वहां तक बोट के पास उसे पहुंचना पड़ेगा अपना खाना लेने के लिए. तो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड प्रीडेटर्स, टू प्रोटेक्ट अपने फैमिलीज और प्रीडेटर्स को बचाने के लिए भी उन्हें लोकोमोशन करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरनमेंट टू अ फेवरेबल एनवायरनमेंट. काफी बारी काफी एनिमल्स या बर्ड्स क्या होते हैं बेटा, माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल जो उनके एनवायरनमेंट उनके हिसाब का नहीं है. जैसे मान लो अगर वो समर रीजन्स, समर क्लाइमेट के एनिमल्स हैं, अगर वहां पे विंटर्स होने लगते हैं तो माइग्रेट कर जाते हैं, वो दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, ठीक है. फाइंड सूटेबल प्लेसेस फॉर लेइंग एग्स और रियरिंग देयर यंग वंस, और इस अपनी सूटेबल एक जगह ढूंढने के लिए, जैसे अगर स्पैरो है तो उसे अपने एक सूटेबल जगह ढूंढनी पड़ेगी अपने एग्स को ले करने के लिए, उसे अपना एक नेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी उसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना ही पड़ेगा. एंड और रियरिंग देयर यंग वंस, अपने यंग वंस को क्या करने के लिए, पालने के लिए, ठीक है, बड़ा करने के लिए. स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है बेटा, जो बोनी स्ट्रक्चर है हमारी पूरी बॉडी का, सर से लेके पांव तक, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम. जैसे आप देख सकते हो हेड टू टो सारे में बोन्स है हमारे, ठीक है. जो फ्रेमवर्क होता है, द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन. जो फ्रेमवर्क है हमारी बोन्स का हमारी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन. स्केलेटन, द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 206 बोन. एक एडल्ट ह्यूमन, फुली ग्रोन एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं. तो अ चाइल्ड हैज मोर बोन्स, एक बच्चे में ज्यादा बोन्स होती हैं देन एन एडल्ट. जब वो एडल्ट होता है तब वो कम हो जाती हैं, बट एक बच्चे में अप्रोक्स 300 बोन्स होती हैं, राउंड अबाउट 90 बोन्स, 90-98-100 बोन्स उसमें बच्चे में ज्यादा होती हैं. बट एज चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा होता है, सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टूगेदर, जो अलग अलग बोन्स होती है ना बेटा कुछ, वो क्या होती है, आपस में मिल जाती है और मिलके एक बोन फॉर्म कर लेती है एंड रिड्यूस इन नंबर. और इस तरह से नंबर्स जो है वो बोन्स के रिड्यूस हो जाएंगे. मान लो तीन बोन है ऐसे, ठीक है, तीन या चार बोन है छोटी छोटी, ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो बच्चा, ये बोन्स क्या होती है, धीरे धीरे चारों बोन्स एक हो जाएंगी. तो इससे क्या होगा, ये नंबर रिड्यूस हो जाएगा ना, ये नंबर फोर से कितना हो गया, वन बोन में रिड्यूस हो गया. तो दिस इज फ्रेमवर्क, दिस इज स्केलेटन, ओके, दिस इज ह्यूमन स्केलेटन. आप देख सकते हो बच्चा, ये है हेड का पोर्शन जिसे हम कहते हैं स्कल. दिस इज फिक्स्ड जॉइंट, वी कैन नॉट मूव दिस स्कल. इस स्कल को नहीं मूव कर सकते हम, नेक मूव करते हैं, इसको मिला घुमा सकते हो, सिर्फ इतने पोर्शन को आप पीछे घुमा सकते हो या साइड में घुमा सकते हो, नहीं. दिस इज फिक्स्ड जॉइंट, जो एक जगह फिक्स होती है उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट, राइट. वर्टिब्रा, वर्टिब्रा क्या होता है, जो हमारी नेक की बोन होती है उसको हम वर्टिब्रा कहते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में, ये हमारे शोल्डर में जो होता है ना, यहाँ पे एक राउंड जॉइंट होता है बॉल की तरह, ठीक है, ताकि हम अपने शोल्डर को पूरा मूव कर सकते हैं. अभी आगे मैं डिटेल में भी सारा आपको समझाऊंगी, ठीक है. स्टर्नम, राइट, ये जो बीच की बोन है इसको हम स्टर्नम कहते हैं. रिब्स, जो हमारा पूरा रिब केज होता है, जो हमारे ऑर्गन्स, जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, ओके. रेडियस, उल्ना, पेल्विस बोन. हिंज जॉइंट, जो नी में जॉइंट होता है उसको हिंज जॉइंट कहते हैं. टिबिया, जो लेग्स में होती है. फेमोर, जो थाइस की बोन्स होती है. एंड फिबुला, ओके, दीज आर ऑल द बोन्स, दिस स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट. फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, अब स्केलेटन के फंक्शंस क्या होते हैं. द स्केलेटन हैज द फॉलोइंग मेन फंक्शंस. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. ऑब्वियसली बेटा हमारी बॉडी को एक शेप और सपोर्ट देता है बोन्स, बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब जैसे मैंने आपको बताया रिब केज, के रिब केज के अंदर बहुत सारे डेलिकेट, के पीछे बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं हमारे,
ठीक है, उनको वो प्रोटेक्ट करता है, लाइक हार्ट, लिवर, ये सब डेलिकेट है, उनको वो बोनी स्ट्रक्चर, आगे अगर बोन्स आ जाती है तो डायरेक्टली उनके ऊपर अगर कोई चीज हमारे यहाँ पे लगेगी भी ना, तो डायरेक्टली वो ऑर्गन्स इफेक्ट नहीं होंगे, वो बोन्स, वो रिब केज के ऊपर लगेगी. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स. ठीक है, वो मूवमेंट जो हमारी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है मसल्स के साथ, वो हमें मूवमेंट में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ मसल्स. आवर बोन्स आर फिल्ड विद सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. हमारी बोन में एक बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, राइट. आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स आर मेड इनसाइड द बोन मैरो, और उसी बोन मैरो के अंदर ये दोनों सेल्स जो है वो बनते हैं. ठीक है, अगर किसी का बोन मैरो खत्म, कम होने लगता है ना बेटा, तो उसकी बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक होने लगती है. ठीक है, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. अब स्केलेटन के कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं, राइट, सर से लेके पांव तक. क्या क्या? स्कल, जो हमने अभी देखा, जो हमारे हेड का जो पोर्शन है उसको स्कल कहते हैं. बैकबोन और स्पाइन, जो हमारी पीछे जो बोन आती है फ्रॉम नेक टू हिप बोन, ठीक है, वो होती है स्पाइन पूरी. रिब केज, जो मैंने अभी आपको बताया जो फ्रंट में होता है वो रिब केज होता है. लिम्स, ठीक है, एंड द गिटर्स, ये अभी हम सारा ये डिस्कस करेंगे ओके इन डिटेल. द स्कल, द स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर ऑन द हेड. हमारे हेड के ऊपर जो बोन्स है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कल. तो इट हैज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. और जो स्कल है हमारा कितनी बोन्स से बना हुआ है? 22 बोन्स से. ठीक है, ये इतने पोर्शन में हमारे सारे में 22 छोटी बड़ी हर तरह की बोन्स हैं. ठीक है, आउट ऑफ दीज 8 फ्लैट बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स. ये ब्रेन बॉक्स होता है बेटा, 8 फ्लैट बोन्स हैं ये, मुड़ी गोल या कैसी भी, राउंड राउंड कैसी नहीं है, फ्लैट बोन्स है, वो ब्रेन बॉक्स फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम. विच इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन को, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है. एंड 14 बोन्स फॉर्म द शेप ऑफ फेस, और ये जो फेस की शेप है ना पूरी, ठीक है, पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये सारी ये शेप कितनी बोन्स फॉर्म करती है? 14 बोन्स. ठीक है, ऑल द बोन्स, हो गया ना 14 + 8 = 22. तो ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड. जितनी भी बोन्स हमारे स्कल पे होती हैं वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, हम उन्हें मूव नहीं कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट द लोअर जॉ. जब तक हम ये वाला जॉ जो है इसको हम मूव नहीं करेंगे, ये वाली जो बोन है, ये वाली जो बोन है यहाँ पे, कभी आप टच करके देखना, ये बोन है बेटा, जो हार्ट मटेरियल होता है ना हमारी बॉडी में, वो बोन होता है. तो अगर जब तक हम इसको मूव नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे कैसे? हमारा माउथ मूव कैसे होगा? हम खाना कैसे खा पाएंगे? हम बोल कैसे पाएंगे? ठीक है, सो द लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल. इट इनेबल्स अस टू च्यू फूड एंड स्पीक. खाना खाने के लिए हमें हेल्प करती है ये, और बोलने के लिए. ठीक है, जब तक ये मूव नहीं होएगा हम बोलेंगे कैसे? अगर ये भी फिक्स होता तो हम ऐसे रहते, ना ही कुछ बोल पाते और ना ही हम कुछ खा पाते, पी पाते, कुछ भी नहीं कर पाते अपने इस माउथ से. ठीक है, द बैकबोन और स्पाइन, जो हमारे बैकबोन में, जो बैक में, पूरी पूरी बैक में, जो बीच में एक स्पाइन होती है, स्पाइनल कॉर्ड भी जिसे हम कहते हैं, वो बैकबोन होती है. सो द बैक फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, और वो एक मेन एक्सिस है स्केलेटन का. ठीक है, उसके ऊपर स्केलेटन पूरा ऐसे टिका हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल रिंग शेप्ड बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे. स्मॉल रिंग, ऐसे रिंग की तरह शेप होती है, 33 वर्टिब्रेज होती है जिन्हें हम कहते हैं. ठीक है, रिंग शेप्ड बोन्स होती है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रे. These small bones join together to form a strong column called the vertebral column. और ये एक strong, इनको सबको join करके ये bones क्या बनाती है? एक strong column बनाती है जिसे हम कहते हैं vertebral column. It protects the delicate spinal cord. और ये spinal cord को ये bones जो है वो protect करती है. जो हमारी spinal cord होती है ना, जो cord होती है वो बहुत ज़्यादा delicate होती है. उसको ये backbone और spine जो है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बोनी स्ट्रक्चर है तो बोन्स पे इफेक्ट ऑर्गन से कम होता है. ठीक है, बोन्स हमारी हार्ड होती है बेटा.
इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. द जॉइंट वेयर वर्टिब्रे मीट अलाउ साइड मूवमेंट, और जहां पे भी वर्टिब्रे मीट होता है मिलता है वहां पे हल्की सी मूवमेंट होती है. ठीक है, दिस अलाउज अस टू बेंड और ट्विस्ट आवर बैक. हम आगे ऐसे बेंड हो सकते हैं, हम पीछे भी ऐसे अपनी बैक को ट्विस्ट कर सकते हैं. ठीक है, पीछे भी ऐसे कर सकते हैं और आगे भी बेंड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द बैक बोन. ठीक है, उस वर्टिब्रे की वजह से. राइट, दीज आर द वर्टिब्रे, ये जो मैंने आपको बताया था ना. सॉरी, वेट, पेन इज नॉट वर्किंग. These are all the vertebrae. And these are 33 vertebrae. Okay? ये पूरी क्या है हमारी spine. Sorry, backbone. Okay? तो ये ऐसे भी move भी हो सकती है आगे की तरफ और ऐसे भी जा सकती है पीछे की तरफ. But एक till some extent, ठीक है, एक extent तक ही आप move कर सकते हो. रिब केज, अब रिब केज क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था हमारे फ्रंट बॉडी पार्ट में होता है. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ थिन एंड कर्व्ड बोन्स कॉल्ड द रिब्स. 12 पेयर्स होते हैं, पतली और कर्व्ड मुड़ी हुई बोन्स होती हैं ऐसे, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया भी था ना रिब केज, तो ऐसे कर्व बोन्स होती हैं. दीस बोन्स फॉर्म अ रिब केज व्हिच प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स. और ये बोन्स क्या फॉर्म करती हैं, एक रिब केज जाल जिसे हम कहते हैं, केज को हम क्या कहते हैं, जाल. वो जाल फॉर्म करती है, ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट. मैंने आपको बताया था हार्ट, लंग्स, ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं. इन ऑर्गन्स को ये रिब केज क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ये ऑर्गन्स इस रिब केज के पीछे होते हैं. ठीक है, ओके, सो ऑल द 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर जॉइंट टू द बैक बोन. सारे 12 पेयर जो होते हैं वो कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, यहां से ऐसे ऐसे मुड़ के और पीछे कहाँ पे जाके ज्वाइन होते हैं, हमारी बैक बोन में. ठीक है, ऐसे पूरा ये जाल बना देते हैं. राइट, एंड द फर्स्ट 10 पेयर्स आर जॉइंट विद द चेस्ट बोन. और फर्स्ट 10 पेयर्स क्या होते हैं, वो चेस्ट बोन से ज्वाइन होते हैं और जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन. इन द फ्रंट टू फॉर्म द रिब केज, और फ्रंट में वो रिब केज एक फॉर्म करते हैं. ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिब्स, आंतड़िया जिसे हम कहते हैं. जो बहुत पतले लोग होते हैं ना, उनके देखना वो रिब केज दिखता भी है, दिखता है वो. जब वो लेट जाते हैं ना तो देखो ऐसे 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 करके बोनी स्ट्रक्चर होता है जो दिखता है. आप लोग भी शायद, आप लोगों का भी दिख जाएगा, आप लोग बच्चे हो, बोनी स्ट्रक्चर दिख जाएगा आप लोगों का. ओके, द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर फ्री एट द फ्रंट एंड एंड दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. रिब्स सॉरी, जो लास्ट दो पेयर होते हैं ना रिब्स के, वो फ्री होते हैं. फ्री एट द फ्रंट एंड आर कॉल्ड, वो फ्रंट एंड से फ्री होते हैं. ठीक है, वो किसी भी बोन से ऐसे ज्वाइन नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स. कभी बेटा आप देखोगे, कभी दिस इज रिब केज, मैं पहले बता देती हूँ ये रिब केज है. ये ऐसे मैंने आपको बताया था ट्विस्टेड होता है और ये पीछे स्पाइनल में जाके मिल जाता है. ठीक है, आप लोग जैसे भागते हो, अगर आप बहुत टाइम से कोई वर्कआउट नहीं किया है, कोई भागे नहीं हो, भागते हो तो आपके यहाँ पे पेन होने लगता है ना रिब्स में, ऐसे कहते हैं ना रिब्स में पेन हो रहा है. तो क्या होता है, जो फ्लोटिंग रिब्स होती है ना, वो हमारी के ऊपर एक चढ़ जाती है, इसलिए वो पेन होता है. ठीक है, और वो यूजुअली सबको ही होता है क्योंकि वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, तो वो फ्लोट कर जाती है, तैर जाती है. ठीक है, तो देयर आर टू द लिम्स. अब लिम्स क्या होते हैं, देयर आर टू पेयर ऑफ लिम्स, अ पेयर ऑफ फोर लिम्स और आर्म्स, अ पेयर ऑफ हिंड लिम्स और लेग्स. ठीक है, जो आर्म्स के होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोर लिम्स, और जो लेग्स में होते हैं उन्हें हम कहते हैं हिंड लिम्स. ये बोनी स्ट्रक्चर ही होते हैं सारे. ठीक है, द बोन्स ऑफ द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गिडल एंड द कॉलर बोन. ये जो होती है ना, ये वाली बोन, ये वाली बोन, ये वाली, ठीक है, ये कॉलर बोन होती है. एंड द बोन्स ऑफ द आर्म्स, ठीक है, हमारी आर्म्स की पूरी, आर्म्स की बोन्स और टू द आर जॉइंट टू द स्पाइन. स्पाइन से कैसे जॉइंट होती है, बाय द शोल्डर गिडल, शोल्डर में जो हमारे बोन होती है उससे और इससे, ये सारी एक साथ ऐसे जॉइन होती है. ठीक है, वन अपर आर्म हैज ओनली वन बोन कॉल्ड ह्यूमरस.
अपर आर्म जो होती है हमारी उसमें एक ही बोन होती है लंबी, वो होती है ह्यूमरस. इन आवर लोअर आर्म देयर आर टू बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड उल्ना. लोअर आर्म में हमारे दो बोन्स होती है जिसे हम कहते हैं रेडियस एंड उल्ना. द बोन्स ऑफ लेग्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय हिप गिर्डल. जो हिप गिर्डल से जो हिप्स के उधर हमारी जो बोन्स होती है वो होता है हिप गिर्डल, ठीक है. और बोन्स जो हमारी लेग्स की होती है वो हिप गिर्डल से जॉइन होती है, ठीक है. आर्म्स की जो है वो कहाँ से होती है, शोल्डर, शोल्डर गिर्डल से एंड कॉलर बोन से स्पाइन में जॉइंट होती है, ठीक है. तो अवर अपर लेग हैज वन बोन कॉल्ड फेमोर. मैंने अभी जो डायग्राम था उसमें दिखाया भी था कि हमारे अपर लेग में जो थाइज होती है वहां पे फेमोर होती है और थाई बोन भी हम उसे कहते हैं, एक ही सिंगल बोन होती है. इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. अगर आपके एग्जाम में आए दैट विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, सो आपका आंसर होना चाहिए फेमोर. ओके, हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन होती है फेमोर. अवर लोअर लेग हैज टू बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिब्युला. ये मैंने अपनी पूरा डायग्राम में आपको दिखाया भी था, ठीक है. बाकी इधर भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये मैंने आपको बताया अपर आर्म की ह्यूमरस, ठीक है. लोअर आर्म में मैंने बोला था दो बोन्स होती है, दैट इज रेडियस एंड उल्ना. और ये हमारा आगे का क्या हो गया, पाम वाला जो हैंड वाला पोर्शन हो गया, उसमें कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लैंजेस, राइट, स्कैपुला एंड क्लेविकल. ये हो गया हमारी कॉलर बोन एंड दिस इज शोल्डर गिर्डल. ओके, ये हो गया हमारा लेग का, राइट. ये हो गया हमारे फोर लिम्स, दिस इज फोर लिम. ये हो गए हमारे हिंड लिम्स. ओके, इलियम, ये हमारा हिप गिर्डल हो गया, राइट. ये सिंगल एक बोन है जो फेमोर, जो मैंने आपको बताई थी लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है. ये हो गया नी जॉइंट, दैट इज पेटेला. ये मैंने बताया था लोअर लेग में, जैसे लोअर हैंड में और लोअर लेग में दो बोन्स होती है और अपर आर्म में और अपर लेग में एक ही बोन होती है, ठीक है. टू बोन्स होती है टिबिया एंड फिबुला एंड दीज आर बोन्स इन द इन आवर फुट पार्ट. Tarsals, metatarsal and phalanges. जैसे हैंड में हुई वो carpals and metacarpals और उसमें tarsals and metatarsals. Okay? Girdles. Girdles क्या होता है बेटा? These are of two. There are two types of girdles. A pair of shoulder girdle जो हमारे shoulder में होता है and a pair of hip girdle. Pair मतलब दो होती है, ठीक है. एक right, एक left. The limbs are not joined directly to the girdles. जो limbs जो है वो directly girdle से join नहीं होते हैं. जो लिम्स हमारे जो हैंड लिम्स और फोर लिम्स से वो डायरेक्टली गिर्डल से जॉइन नहीं होते हैं. द आर्म्स आर जॉइंट टू द शोल्डर गिर्डल एंड द लेग्स आर जॉइंट टू द हिप गिर्डल. ऑब्वियसली बेटा आर्म्स जो है वो शोल्डर गिर्डल से ही जॉइन होंगे ना, और लेग्स जो है वो हिप गिर्डल से जॉइन होंगी. तो ये पोर्शन है हमारे हिप गिर्डल का एंड दिस इज शोल्डर गिर्डल. ये देखो ये कॉलर बोन है एंड दिस इज गिर्डल. ओके, एंड दीज आर रिब्स, right? Ribs. Okay. Most of the skeleton consists of hard bones. ज्यादातर skeleton में कौन सी bones होती है? Hard bones होती है. आपने देखा होगा ना bones हमारी कितनी hard होती है, right? However, at some places in the skeleton, there is a material which is not hard. कुछ जगह पे ऐसे होता है हमारे मटेरियल बोन्स में जो हार्ड नहीं होता है एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, और वो बेंट किया जा सकता है, उसको मोड़ा जा सकता है. इट इज कॉल्ड कार्टिलेज, और उसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज. तो दो मोस्ट ऑफ द स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स, ज्यादातर स्केलेटन जो है वो बोन्स से ही बना हुआ है, अभी आपने देख भी लिया था, ठीक है. बट इट हैज सम कार्टिलेज टू, वो कार्टिलेज भी है हमारी बॉडी में कुछ. It is firm but flexible material found at some places in the skeleton. Skeleton में ही flexible material है ये, जो कुछ जगहों पे पाया जाता है. It is much softer than the bone. और bone से ये बहुत ज़्यादा soft होता है. It can be bent without breaking. और इसे बिना तोड़े हम मोड़ सकते हैं. So in fact, it is a kind of softer and elastic bone. तो ये किसका काइंड है, किसका टाइप है, ये सॉफ्ट और इलास्टिक बोन का टाइप है.
Cartilage is present in the following places in our body. It is present in the pinnacle of ears, the upper part of the ear. जो ये upper part होता है ना हमारे ear का, देखो कितना soft होता है. Bone है यहाँ पे, but ये cartilage है. ठीक है, इसको हम ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ऐसे भी मोड़ सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको bend कर सकते हैं. It is found at the end of the nose. जो हमारी nose की end है, देखो bone है यहाँ पे, right? यहाँ पे bone है, but यहाँ पे क्या है? बोन नहीं है, टिप पे हमारे बोन नहीं है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, राइट. इट इज फाउंड ऑन द एंड ऑफ द बोन्स वेयर दे मीट वन अनदर एट अ जॉइंट. के बोन्स के एंड पे जहाँ पे वो जॉइंट्स के साथ मीट करते हैं, मिलते हैं जॉइंट्स में, वहां पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन. जो बैकबोन के वर्टिब्रे थे ना, उसके बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. द अपर पार्ट ऑफ आवर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड ईयर लोब. इस वाले को हम कहते हैं पिन्ना एंड इस वाले को हम कहते हैं ईयर लोब. ठीक है, कार्टिलेज गिव सपोर्ट एंड शेप टू द ईयर. ये सपोर्ट देता है और शेप देता है ईयर को. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एंड ऑफ आवर नोज. The upper part of our ear is called pinna and the lower part is called ear lobe. Cartilage gives support and shape. Okay, ये अभी हमने discuss कर ली है. This is pinna, this part is pinna and this is ear lobe. And at the end of nose, क्या होता है यहाँ पे? Cartilage. Okay. जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. अब हमारी बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स हैं और कितने जॉइंट्स हैं? द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड अ जॉइंट. वो प्लेस जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स जो है वो मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स. ठीक है, बोन्स आर जॉइंट बाय टफ फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स. दिस इज लिगामेंट. ये इलास्टिक टिश्यूज होते हैं बेटा, ये टिश्यूज होते हैं जो इलास्टिक खींचते हैं, टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं. दिस इज कॉल्ड लिगामेंट. इससे ये जॉइन होती हैं बोन्स. द एंड ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग अ जॉइंट इज लाइंड विद अ लेयर ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज. और जो एंड है बोन्स की, ठीक है, वो फॉर्मिंग अ जॉइंट, जो जॉइंट को फॉर्म करती है, इज लाइंड विद अ लेयर ऑफ टफ एंड इलास्टिक टिश्यू. एक बहुत ही टफ एंड इलास्टिक टिश्यू होता है जो अभी हमने पढ़ा था, दैट इज कार्टिलेज. दिस इज कार्टिलेज. ओके, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. द मेन टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवट जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट्स. दीज आर फोर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. हिंज जॉइंट क्या होता है बेटा? वी हैव सम जॉइंट्स व्हिच मूव लाइक अ डोर ऑन इट्स हिंजेस. जैसे डोर है ना, डोर को हम उसके एक लॉक लगा देते हैं ना, उसमें हिंजेस पे उसको कर देते हैं. ठीक है, तो डोर क्या होता है? एक ऐसे ही ऐसे ऐसे मूव हो सकता है ना, सो दे आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स. डोर पूरा गोल तो नहीं घूम सकता, या ओपन हो सकता है, फिर एक लेवल तक ही क्लोज हो सकता है. ठीक है, ऐसे ही होता है ना. अ हिंज जॉइंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ओनली वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ओपन होगा और बंद होगा, ओपन होगा बंद होगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, बस इतना ही हो सकता है. तो इन दिस द मूवमेंट ऑफ बोन्स इज द रिस्ट्रिक्टेड टू वन डायरेक्शन बाय द शेप ऑफ द एंड्स ऑफ द बोन्स विच फॉर्म द जॉइंट. ठीक है, जो जॉइंट फॉर्म करते हैं उस एंड में जो शेप होती है, वहां से उसको डायरेक्शन मिलती है. ठीक है, और वहां तक वो बोन्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, इससे ज्यादा वो बोन्स जो है वो मूव नहीं कर सकती हैं. एंड बाय द लिगामेंट्स विच होल्ड द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट. और वो लिगामेंट्स की वजह से जो बोन्स को, जॉइंट्स को क्या कर रहा है? वो बोन्स को जोड़े हुए है, पकड़े हुए है जॉइंट्स में. ठीक है, इन आवर बॉडी हिंज जॉइंट अकर एट एल्बो, नी, फिंगर जॉइंट्स एंड जॉ. देखो, हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पे है? एल्बो. एल्बो को हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, उल्टा तो नहीं ले जा सकते. ठीक है, हम ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमा भी सकते हैं, बट
पूरी तरह से हम देखो ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, नहीं इट इज नॉट पॉसिबल, फॉरवर्ड बैकवर्ड उल्टा हम पूरा नीचे तो नहीं ले जा सकते ना, बस इससे ज्यादा ओपन नहीं होगी हमारी एल्बो, ठीक है। नी, फिंगर जॉइंट्स, ये फिंगर में जो हमारे जॉइंट्स हैं वो हैंड जॉइंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। हम इसको फिंगर को इतनी नीचे ला सकते हैं, देखो जैसे डोर क्लोज हुआ ओपन हुआ, क्लोज हुआ ओपन हुआ, बट इस फिंगर को हम पीछे नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते हैं। राउंड राउंड भी हम थोड़ा सा ही घुमा सकते हैं, बट ऐसे पूरी तरह से हम इसको नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है। जॉ, हमारे जॉ में जो है वो हिंज जॉइंट होता है, बस बंद हो रहा है खुल रहा है, नहीं हो रहा है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, राइट। तो दिस इज हिंज जॉइंट, ओके, यहाँ पे ये हिंज जॉइंट है, दिस इज लिगामेंट, लिगामेंट से ये क्या हो रहा है, इन सबको ये बांधे हुए है, ठीक है। लोअर आर्म बोन, ये एल्बो है बेटा हमारी, एल्बो है, जो एल्बो होती है ना यहाँ पे, यहाँ पे ये हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, जो ये बोन्स को जॉइन कर रहा है, जो हमारे लोअर आर्म में है, लोअर आर्म में दो बोन्स होती है मैंने बताया था, ये अपर आर्म में एक बोन होती है, इसके बीच में जो जॉइंट होता है ये हिंज जॉइंट होता है, जो दोनों बोन्स को जॉइन कर रहा है थ्रू लिगामेंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या कहाँ होते हैं बेटा, इन दिस जॉइंट वन एंड ऑफ द बोन हैज अ राउंड शेप लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरह शेप होती है एक एंड पे इसको, विच फिट्स इन टू अ सॉकेट, एक बॉल जो है एक सॉकेट में फिट हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर फिट हो गई वो, राइट। इन द अदर बोन, दूसरी बोन का सॉकेट होता है, ठीक है, और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर ऐसे करके फिट हो जाती है। तो इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन बी टर्न्ड इन एनी डायरेक्शन, इस टाइप में बोन्स जो है वो कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, हम बोन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, साइड टू साइड एंड इवन रोटेटेड, हम रोटेट भी कर सकते हैं। दीज जॉइंट्स अकर एट द शोल्डर एंड हिप्स ऑफ आवर बॉडी, देखो बेटा अपने शोल्डर को ना जब मैं समझा रही हूँ ना साथ साथ ना मूव करके देखना, हम ऐसे पूरा अपने शोल्डर को मूव कर सकते हैं ना, आगे पीछे, ठीक है, ऐसे 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 ऊपर नीचे, किसी भी तरह से हम अपने शोल्डर को मूव कर सकते हैं, और इसी तरह से हम अपने लेग्स को भी कर सकते हैं। तो हमारा जो हिप गर्डल है और शोल्डर गर्डल है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ओके, दिस इज, ये बेटा मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, सॉकेट, और ये है बॉल, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये इसमें क्या हो जाता है ऐसे करके फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये है शोल्डर गर्डल, राइट। पाइवेट जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, इन अ पाइवेट जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन टर्न्स इन अ रिंग टाइप बोन, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है, सिलेंडर आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है, ठीक है, ये क्या हो जाता है एक रिंग टाइप बोन में टर्न हो जाती है। अ पाइवेट जॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन आवर स्कल एंड नेक, हमारा स्कल और हमारे नेक के बीच में जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, पाइवेट जॉइंट। और मैंने अभी आपको स्केलेटल के उसमें दिखाया भी था, यहाँ पे जो जॉइंट आता है वो ऐसी तो आता है, सिलेंडर शेप में आता है बट रिंग्स होती है ऐसे ऐसे रिंग्स, ठीक है। दीज जॉइंट्स बिटवीन आवर स्कल एंड नेक अलाउज आवर हेड टू बेंड अप एंड डाउन, टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, एंड अदर अनदर पाइवेट जॉइंट अकर्स इन द फोरआर्म नियर द एल्बो, एल्बो के पास जो फोरआर्म होता है हमारा वहां पे दूसरी पाइवेट जॉइंट जो है वो होती है, इट हैज टू बोन्स रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, इट मेक्स द रेडियस एंड अल्ना बोन टू ट्विस्ट अराउंड ईच, वो रेडियस और अल्ना बोन्स को क्या करती है आपस में ट्विस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, कैसे, ऐसे 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 कर रहे हैं ना आगे पीछे, तो ये रेडियस एंड अल्ना बोन क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। दिस इज अ पाइवेट जॉइंट, ये इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर और सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है शेप में। फिक्स जॉइंट्स जो मूव नहीं हो सकते हैं, नाम से ही समझ में आता है, ठीक है। इन सम जॉइंट्स द बोन्स आर हेल्ड सो टाइटली टुगेदर दैट दे कैन नॉट मूव एट ऑल, इतनी ज्यादा टाइटली बैंड होती है कि वो बोन्स किसी भी तरह से मूव नहीं कर सकती हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स, उन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, फिक्स जॉइंट्स।
In this, the bones are held very firmly together by strong fibers. बहुत ही firmly, मतलब बहुत ही अच्छे से ये join करी होती है strong fibers से, ताकि ये किसी भी तरह से move नहीं कर सके. These are immovable joints. ये immovable joints होती है, move नहीं होती है. Its function is to provide strength and support to the body. और इनका function क्या होता है? Body को strength, ताकत देना और support provide करना, ठीक है? These kinds of joints occur in our skull. The hard, the strong skull protects a delicate organ of our body called brain. Brain जो है वो बहुत ज़्यादा delicate organ है. और ये जो skull है ना, इतना hard जो bony structure है, उस brain को वो protect करता है. तो हमारे सिर पे जरा सी चोट लगी नहीं और हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा, और ब्रेन डैमेज हुआ तो अब कुछ ही खत्म है. सो देयर इज अ फिक्स्ड जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड द अपर जॉ. क्या स्कल और अपर जॉ तक पूरा फिक्स्ड जॉइंट होता है, सिर्फ लोअर जॉइंट जो जो जॉ जो होता है वो मूवमेंट में होता है. इट ऑल्सो अकर्स इन हिप बोन. द हिप बोन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू बैक बोन बाय अ फिक्स्ड जॉइंट. और जो हिप बोन होती है ना हमारी, वो भी बैक बोन से फिक्स जॉइंट के साथ कनेक्टेड होती है, उसको भी हम मूव किसी तरह से नहीं कर सकते, ठीक है? दिस इज द स्कल पार्ट. ये मैंने बताया था ये फ्लैट बोन्स होती है सारी जॉइंट्स, ठीक है? मसल कॉन्ट्रैक्शन मूव बोन्स एट जॉइंट्स. मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जॉइंट्स में हेल्प करती है बोन्स को मूव करने में. तो मसल इज द फाइब्रस टिश्यू the body that has the ability to contract. Muscle जो एक fibrous tissue होता है हमारी body में, जिसके पास ये ability होती है, ताकत होती है, खासियत होती है contract होने की, that expand, right? So they are attached to the bones of our skeleton. और वो हमारे skeleton के bones से क्या होती है, muscles attached होती है. So when the muscle attached to a bone contracts, जब वो muscle जो है contract होती है, तो it pulls the bone due to which the bone moves at the joint. और वो बोन को क्या करती है, खींचती है, पुल करती है, जिससे वो बोन जो है वो जॉइंट पे मूव कर पाती है. A muscle can only pull a bone, it cannot push a bone. मसल जो है वो अपनी तरफ खींच सकती है, वापस पुश नहीं कर सकती है बोन को. So two muscles work together to move a bone. अब हम एक तरफ तो मूव हो गए, थोड़ा ना अटक जाएंगे यहीं पे, वापस भी तो जाना है ना. तो उससे क्या होता है, वो दूसरी मसल, दो मसल्स एक साथ काम करती है जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देखती है. द मसल्स जॉइन टू आवर बोन्स वर्क इन पेयर्स. पेयर्स में काम करते हैं ये लोग. द वन मसल ऑफ द पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द अदर मसल ऑफ द पेयर इज स्ट्रेच्ड. एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है जो अपनी तरफ पुल करती है बोन को, और दूसरी मसल क्या करती है, स्ट्रेच होती है जो पुश करती है बोन को, ठीक है? द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन and brought about the alternate contraction and stretching. Contraction, stretching ये muscles में होता रहता है, तभी हमारी body जो है वो move करती है. Attached to the movable bones of the skeleton. Okay? इस GIF में आप देख सकते हैं बेटा, contract, relax. Muscle relax, contract हुई, फिर muscle relax, right? ओके, तो बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म. बेंड और स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं आर्म को? आवर आर्म कंसिस्ट ऑफ, ये सेम है बेटा उसी के जैसा ही, टू पार्ट्स, अपर आर्म एंड लोअर आर्म. मैंने आपको बताया था अपर आर्म एंड लोअर आर्म विच आर जॉइंट एट द एल्बो, और जो एल्बो पे जॉइंट होते हैं. द अपर आर्म हैज वन बोन एंड द लोअर आर्म हैज टू बोन्स. ये भी आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया. द अपर आर्म बोन हैज अ पेयर ऑफ मसल्स कॉल्ड बाइसेप्स. जो अपर आर्म की पेयर होती है ना मसल्स की, उनको हम कहते हैं बाइसेप्स. जैसे आप कहते हो ना डोले बना लिए, बाइसेप्स है ना वो होती है. एंड ट्राइसेप्स ऑन इट्स टू साइड्स, ठीक है? बाइसेप्स मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल बिकॉज इट फ्लेक्सेस द आर्म, ठीक है? एंड ट्राइसेप मसल इज कॉल्ड एक्सटेंसर मसल बिकॉज इट एक्सटेंड्स द आर्म. जो फ्लेक्स करता है आर्म को वो बाइसेप मसल होती है, और जो एक्सटेंड करता है आर्म को वो ट्राइसेप मसल होती है, ठीक है? कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेंस शॉर्टेंस, ठीक है? सेम अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी पहले, राइट? तो मूवमेंट इन एनिमल्स, अब बेटा ह्यूमन बींग्स का तो हमने सारा देख लिया, बट एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होती है?
मैनी एनिमल्स वॉक विद देयर लेग्स, मैनी एनिमल्स जो बहुत सारे एनिमल्स अपने पैरों से ही चलते हैं, ह्यूमन बीइंग्स वॉक बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स इन देयर लेग्स एंड इन कोऑर्डिनेटेड मैनर. ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सिंग मसल्स की वजह से चलते हैं अपने पैरों में एंड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. तो उसी तरह से एनिमल्स में भी. So the action of flexor and extensor muscle in the legs bends and straightens the leg alternately and makes us walk. ठीक है, वो alternately काम करते हैं, extend होता है, relax होता है, extend होता है, relax होता है. इसी तरह से वो क्या करते हैं, हमारे legs जो है वो joints पे bend हो पाते हैं और straight हो पाते हैं. bend straight चलते हैं ना, मुड़ते भी है फिर सीधे भी होते हैं, मुड़ते हैं पैर फिर सीधे होते हैं. ठीक है, तो एवरी एनिमल हैज टू पुश समथिंग बैकवर्ड्स. हर एनिमल को कुछ चीज पीछे ऐसे धकेलनी पड़ती है विद इट्स बॉडी पार्ट टू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. पीछे जाना पड़ता है कुछ चीज ऐसे, जैसे फिश है, फिश को स्विम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी को पीछे करना पड़ेगा, तभी तो वो आगे ऐसे ऐसे करके स्विम हो पाएगी. ठीक है, तो फिश पुशेज ऑन वॉटर बैकवर्ड विद इट्स टेल टू मूव फॉरवर्ड. The movement in cockroach. The body of a cockroach is covered with hard and tough outer covering called exoskeleton. The body of a cockroach ki beta bahut hard aur tough, bahut majboot uski outer covering hoti hai, usko hum kehte hain exoskeleton. So the cockroach moves on ground as well as flies in air. Cockroach aapko pata hai ground pe bhi move karta hai aur udne wale bhi cockroach hote hain na. A cockroach has six legs hote hain cockroach ke. It moves on the ground by using its legs. और वो ground पे कैसे move करता है, अपने छः के छः पैरों को use करके. Each leg of cockroach consists of stiff, hollow tubes joined together. हर leg cockroach के अंदर क्या होता है, उसमें एक stiff, बहुत ही stiff, hollow, खोखली tubes होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं. The legs of cockroach can be moved easily by the muscles. और मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सिंग की वजह से ही उसकी जो लेग्स है कॉकरोच की वो बहुत इजीली मूव करती हैं. द फ्लेक्सर मसल्स बेंड द लेग्स वेयर एज एक्सटेंसर मसल्स स्ट्रेटन द लेग्स सेम विद ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, एंड द लेग्स मेक द कॉकरोच मूव. ओके, दिस इज द कॉकरोच एंड द मूवमेंट ऑफ द कॉकरोच. सिक्स लेग्स एक साथ मूव करते हैं. A cockroach has two pairs of wings attached to its breast by flight muscles. Cockroach ke do pair hote hain wings ke jo uske breast se attached hote hain flight muscles in through. Theek hai, the cockroach flies in the air by moving its wings up and down. Theek hai, rapidly with the help of flight muscles. Wo flight muscles hi usko help karti hain up and down move hone mein. Theek hai, the wings of cockroach moves down, they push on air downward and backward. और वो नीचे कैसे आते हैं, ठीक है, एयर को डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं, उससे वो पुश हो पाते हैं नीचे. ठीक है, आफ्टर मेकिंग द डाउन स्ट्रोक ऑफ विंग्स द कॉकरोच रेजेस इट्स विंग्स अप अगेन एंड देन मेक्स अनदर डाउन स्ट्रोक. और जैसे ही वो डाउन स्ट्रोक करता है विंग्स की, जैसे नीचे लाया अपने विंग्स को, वो फिर दोबारा ऊपर लेके जाता है और वो फिर दोबारा नीचे लेके जाता है. इस तरह से वो क्या कर पाता है, ऊपर नीचे करके वो फ्लाई कर पाता है, लाइक एनी बर्ड. बर्ड्स भी इसी तरह से फ्लाई करते हैं. ओके, सो बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड एज वेल एज दे फ्लाई. आपको पता है फ्लाई भी करते हैं बर्ड्स और चलते भी हैं ग्राउंड पे. ठीक है, यूजिंग देयर हिंड लिम्स सम बर्ड्स ऑल्सो स्विम इन वॉटर. अपने हिंड लिम्स यूज करके वो पानी पे भी स्विमिंग कर सकते हैं. ठीक है, those birds which swim in water do so by pushing against water with their hind limbs which have webbed feet hote hain. aapko pata hai jaise ye feet hai na beta, pata nahi main kaise bana paungi, ye feet hai. to iske beech mein na aise web like structure hota hai, these are webbed feet, aur inki wajah se hi wo pani ko push kar pate hain piche ki taraf taki wo aage ki taraf move ho paye. right, movement in birds, the birds can fly because their bodies are adapted for this purpose. bird jo hai wo fly kyun kar pati hai, kyunki unki bodies jo hai wo is kaam ke liye hi adapt ki gayi hai. hum to fly nahi kar sakte kyunki hamari body mein koi aisa organ, koi aisa structure nahi hai. so their main adaptations are
Their four limbs are modified to form wings for flying. उनके four limbs जो है, जो आगे के जो उनके limbs होते हैं, वो किस लिए, किस पे modified हो जाते हैं? उनके दो ही पैर होते हैं, जो front four limbs होते हैं, हाथ जो होते हैं, उनके किस में modify हो रखे हैं? ये wings में, ठीक है? Their flight feathers provide a large flat surface which is light but strong. Okay? Their bones are hollow and light. उनकी bones जो है वो खोखली होती है और बहुत हल्की होती है, इसीलिए वो easily फ्लाई कर पाते हैं. दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स, और उनकी फ्लाइट मसल्स जो होती है ना बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जो उनको हेल्प करती है उड़ने में. देयर ब्रेस्ट बोन इज एक्सटेंडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ लार्ज फ्लाइट मसल्स. सो बर्ड्स फ्लाई बाय अ कॉन्स्टेंट फ्लैपिंग अप एंड डाउन, सेम एज अ कॉकरोच, अप एंड डाउन ऑफ देयर विंग्स. सो ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक ऑफ विंग्स द एयर इज पुश्ड डाउनवर्ड्स. डाउन स्ट्रोक में एयर जो है वो डाउनवर्ड्स पुश होती है and backwards, और अप जाती है तो एयर जो है वो ऊपर पुश होती है, तो इससे वो ऊपर फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है? So the equal and the opposite reaction force of air pushes the bird up and forward and makes it fly, right? Movement without legs, बेटा जिनके पैर ही नहीं होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? वो भी मूव करते हैं. The animals which do not have legs use only the muscles. वो अपनी सिर्फ मसल्स यूज करते हैं मूव करने के लिए, देयर बॉडी फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लाइक दिस इज अर्थवॉर्म, ये अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे मूव करता है अपनी मसल्स के थ्रू. स्नेल भी ऐसे ही मूव करते हैं, एंड स्नेक भी ऐसे ही मूव करते हैं, राइट? मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स और लेग्स. अर्थवॉर्म के ना ही बोन्स होते हैं ना ही लेग्स होती है. इट हैज मसल व्हिच हेल्प्स टू लेंथन एंड शॉर्टन द बॉडी. मसल्स होती है जो बॉडी को छोटा और लंबा करने में हेल्प करती है, जिससे वो आगे आगे ऐसे ऐसे करके मूव कर पाता है. इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ लिक्विड फिल्ड सेगमेंट्स जॉइंट टूगेदर. उसकी बॉडी में क्या होता है, लिक्विड फिल्ड सेगमेंट्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं. द अर्थवॉर्म बॉडी हैज टू टाइप्स ऑफ मसल्स, सर्कुलर मसल्स जो गोल होती है, एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल. व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स दे मेक द सेगमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म्स बॉडी लॉन्ग एंड थिन. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है सर्कुलर मसल्स, तो अर्थवॉर्म की बॉडी क्या होती है, लंबी होती है और पतली हो जाती है, ठीक है? और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दे मेक द लॉन्ग एंड थिन सेगमेंट्स शॉर्ट एंड फैट अगेन. और फिर उसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करती है, उसको शॉर्ट करती है, छोटा करती है और मोटा कर देती है, फिर वो लंबा और पतला हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से वो मूव कर पाता है. द टाइनी ब्रिस्टल्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ अर्थवॉर्म्स बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड. छोटे छोटे अर्थवॉर्म की बॉडी के नीचे ना ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, उसको क्या करता है, ग्राउंड को ग्रिप करने के लिए काम आता है, ताकि वो जमीन पे टिका रहे व्हेन अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी मूव्स, ठीक है? नहीं तो वो गिरता रहेगा, फिसल जाएगा. तो मूवमेंट इन स्नेल्स, स्नेल्स में कैसे मूवमेंट होती है, स्नेल इज अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल, बहुत धीरे धीरे चलता है, विद अ शेल ऑन इट्स बैक, अपने बैक में शेल होता है उसके. इट्स बॉडी इज सॉफ्ट एंड कंसिस्ट ऑफ अ हेड. उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और उसमें, उसकी बॉडी पे क्या होता है, एक हेड भी होता है, अ फुट एंड अ शेल, ठीक है? एक शेल है, हेड है और फुट है. तो शेल इज द आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन. जो उसका शेल है वो आउटर स्केलेटन है, लेकिन वो बोन से नहीं बना होता है. द स्नेल हैज ओनली वन फुट अंडर इट्स बॉडी, द फुट ऑफ स्नेल इज लार्ज. एक ही फुट होता है और वो बहुत बड़ा होता है, फ्लैट होता है, डिस्क शेप्ड का होता है, ठीक है? विच इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है. इट इज कॉल्ड मस्कुलर फुट. The snail moves with the help of large disc-shaped muscular foot. Snails are gastropods, which means belly-footed animals. ये पेट में पैर होता है, ये belly-footed. The movement of snail is called creeping. ये movement को हम क्या कहते हैं? Creeping. Movement in fishes. Fishes कैसे move करती हैं? Fishes adaptive to move in water by having a streamlined shape. Flexible bone and powerful body muscles and fins. ये सब होता है fishes में, ताकि वो पानी में रह सके, right? This is explained below. So the body of the fish tapers at both ends. Tape होती है, both दोनों ends पे पतली होती है उसकी body. Thin, thick, thin. ठीक है? कैसी होती है fish? Thin,
जैसे भी थिन होती है, फिर बीच में से थिक होती है, फिर थिन होती है, ठीक है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। इस बॉडी शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। ड्यू टू दिस वॉटर कैन इजिली फ्लो अराउंड द बॉडी, और इस वजह से पानी जो है आराम से उसकी बॉडी पे फ्लो कर जाता है। कैन ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस द मूवमेंट ऑफ फिश। The fish has flexible backbone. उसकी backbone जो है वो बहुत flexible होती है, आराम से वो move कर जाती है। Due to this, the fish can bend its body easily from side to move to water. ऐसे भी bend कर लेती है, sides में भी वो bend कर लेती है ताकि वो पानी में easily move कर सके, ठीक है। The fish has powerful body muscles. उसकी body muscles बहुत powerful होती हैं। These muscles of the fish on both sides help in moving it. टेल ऑन बोथ साइड्स, उसकी टेल को मूव करने में, टेल होती है ना पीछे, इस टेल को इधर इधर मूव करने के लिए भी वो मसल्स हेल्प करती हैं, ठीक है। तो दीज आर द काइंड ऑफ मूवमेंट इन फिशेस। देखो आप उसकी टेल कैसे मूव होती है, राइट। द फिश हैज फिन्स व्हिच आर थिन एंड फ्लैट प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ द फिश, ठीक है। उसके फिन्स होते हैं जो पतले, ये दीज आर फिन्स, कहाँ भाग रहे हो, दीज आर फिन्स, ओके, जो पतले होते हैं, फ्लैट प्रोजेक्शन होता है उनकी बॉडी पे। दे हेल्प द फिश इन स्टीरिंग, बैलेंसिंग एंड स्टॉपिंग इन वाटर। पानी में उनको हमेशा ही तो ना तैरती रहती है, स्टॉप करने के लिए भी वो फिन्स क्या है, हेल्प करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। सो दीज आर ऑल द फिलिंग्स, द ब्लैंक्स। मस्टर्ड ऑयल एंड पेट्रोल आर इमिसिबल विद वाटर, ओके। Unacademy subscription features के बारे में जान लेते हैं बेटा। Learn life from the comfort of your home. Unlimited access मिलता है आपको सारे courses का, top educators मिलते हैं आपको एक ही platform पे, regular doubt clearing होता है, exhaustive coverage होता है syllabus का, mentorship and guidance provide की जाती है, study material PDF form में available होता है, practice test होते हैं, live test series होती हैं and batch courses भी available होते हैं, right? तो प्राइसिंग, सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग क्या है बेटा, 3, 6, 12, 15, 18, 24, 36, 48 months की ये है। एंड आफ्टर अप्लाइंग माय कोड दैट इज इन वीडियो 1, यू विल गेट डायरेक्टली 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, राइट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स क्या है बेटा, प्लस के तो सारे बेनिफिट्स मिलते ही हैं, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, दैट इज आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, लाइव डाउट सॉल्विंग होता है, वीकली रिपोर्ट्स होती हैं, पेरेंट्स के साथ कनेक्शंस होते हैं, स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाता है, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपको मिलते हैं। सो आइकॉनिक की प्राइसिंग देख लेते हैं बेटा, 3, 6, 12, 15, 18, 24 and 36, एंड आफ्टर रिप्लाइंग माई कोड दैट इज इन NB01 is my code, so don't forget NB01 is my code. You will get directly 10% discount. Okay? So, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें. So please like, share करें अपने friends and family members के साथ and bell icon पे click करें ताकि आपको मेरे channel की, मेरी video की notifications आपको सबसे पहले मिल सके. So let's crack it with Unacademy. So bye bye, take care all of you, have a nice day, bye.